नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्गत सूचना 7 दिसंबर 2021 की। इसके द्वारा फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम की काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया गया है 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक, जो एन कॉलेज पटना के प्रांगण में होना है, दो शिफ्ट में होना है, 9:30 बजे से और फिर उसके बाद। एक कैंडिडेट्स के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर संबंधित विज्ञापन की प्रति भेजी, उसका जो महत्वपूर्ण अंश है उसमें जिक्र है कि इंटर अंतिम आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि तक इंटर होना आवश्यक है और विहित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। बीसी ईबीसी के लिए नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट तथा एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय इसे जमा करने की जरूरत नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय इसे जमा करना होगा और जमा करने नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं कुछ विशेष बातों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। यूनियन प्रवेश कमीशन ने जब इस वर्ष मार्च अप्रैल फरवरी में निकाला कंबाइंड सिविल सर्विसेज के प्रीलिमिनरी एग्जाम का विज्ञापन, तो पहली बार उसमें यह जिक्र किया गया कि अंतिम डेट जो 24 मार्च है उससे के पहले तक निर्गत होना चाहिए रिजर्वेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स। बिहार लोक सेवा आयोग ने मेरे ख्याल से पहली बार इस बार जब सितंबर में 67वीं कंबाइंड सर्विसेज का निकाला विज्ञापन, तो उसमें अंकित किया गया कि जो अंतिम तिथि है 5 नवंबर, जो बाद में बढ़ा दी गई है 19 नवंबर कि उस समय तक निर्गत होना चाहिए। यूपीएससी और बीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हैं और जहां तक मेरी जानकारी है कि विगत वर्षों में उनके द्वारा भी जो शैक्षणिक बाध्यता है ग्रेजुएट होना, वो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक का ही वेरीफाई किया जाता था, लेकिन क्योंकि वहां पर इंटरव्यू के डेट पर ही कागजों की जांच होती है, काउंसलिंग होती है, इसलिए वहां जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं मूल पत्र से मिलान करके, तो उस डेट के पहले जो रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स कैंडिडेट्स के द्वारा समर्पित किए जाते थे उन्हीं को आधार माना जाता रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भी यही प्रक्रिया जो यूपीएससी और बीपीएससी जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करती रही गत वर्षों तक, वही प्रक्रिया यहाँ सेकंड ग्रेजुएट में भी, ये मेरी भी, मैं चूंकि अंग रहा हूँ इस महत्वपूर्ण आयोग का, सेकंड ग्रेजुएट में एएनएम, जीएनएम, जूनियर इंजीनियर, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर इत्यादि में भी यही हुआ है कि जो क्वालिफिकेशन उनका एजुकेशनल था वो देखा गया आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक का होना अनिवार्य, लेकिन जो रिजर्वेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे उनके लिए यह देखा गया कि प्रत्येक कैंडिडेट का जो इंटरव्यू काउंसलिंग का डेट है उस डेट के पहले तक जो निर्गत है उसे मान्यता दी गई है। ईबीसी और बीसी कैंडिडेट के लिए यदि वो नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट, चाहे वो सेंट्रल फॉर्मेट में रहे हों या स्टेट फॉर्मेट में रहे हों, चूंकि दोनों के मापदंड समान हैं राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के, और जातियों की सूची जो बिहार में दो है वो जीएडी के साइट पर है, आयोग के पास है, इसीलिए इसकी मान्यता दी जाती रही और एक वर्ष से पुराना होने की स्थिति में प्रावधान के अनुसार रोमन 18 फॉर्म में सेल्फ एफिडेविट कैंडिडेट से लिया जाता रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण आयोग का अंग रहा हूं और इस आयोग के प्रति मेरी अनुभूति है, भावना है। मैं आयोग से विनम्र अनुरोध करता हूं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग फर्स्ट
इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित विज्ञापन में जो शर्तें अंकित हैं उनको ही आधार बनाया जाए काउंसिलिंग का, और जो शर्तें अंकित नहीं हैं उन्हें निश्चित तौर पर आधार नहीं बनाया जाना ही उपयुक्त होगा, ताकि कोई भी मैटर यदि फ्यूचर में जुडिशियल प्रोसेस में जाए तो वहां पे आयोग का पक्ष मजबूत रहे। मेरा विनम्र अनुरोध है कि सारी बातों पर आयोग एक बार विचार करे और आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र करे।